तो भाई देखो यार, सही की काफ़ी बार जीत होती है भाई। बोलता है ना कि वो देर आता है दुरुस्त आता है भाई, तो वो वाला सिस्टम होता है यार भाई। तो अभी सोच रहे हो ये सब क्यों बोल रहा है भाई, तो ये सब जानने के लिए आप लोग वॉच करो फुल वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपन। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे। तो भाई आज अपना वीडियो भाई काफ़ी एक्साइटमेंट वाला है भाई, काफ़ी ज़्यादा यार। मैं भी बहुत 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 ज़्यादा वाला खुश हूँ यार भाई, बहुत ज़्यादा वाला। कि मतलब यार जो चाहते थे ना वो हो जाता है। तो भाई बोलते ना अंदर की खुशी भाई जताई कितना भी मतलब बोल के बता दो, बट बता ही लोगे ना, मतलब अंदर से कंट्रोल नहीं होता यार। तो वो खुशी वाला सिस्टम बहुत मस्त होता है यार भाई। तो और बताओ आप लोग क्या हाल चाल भाई। सो भाई लाइफ अपनी बहुत ऊंची है, इसमें आते हैं थोड़े चढ़ान और थोड़े ढाल। और बताओ आप लोग का क्या हाल चाल। तो मौज काटो अपनी लाइफ में यार भाई। पब्लिक सोच रही होगी ना कि यार इतना क्या खुश है भाई, क्या इसके साथ इतना अच्छा होगा भाई, मेरे साथ नहीं, मैं जिसके लिए चाह रहा था ना उसके साथ हो गया यार। तो भाई अपने एल्विस भाई फाइनली आ गए ऑन वेल भाई। कल तो उन्होंने एक पोस्ट में डाला था कि भाई अभी कल से अपना ब्लॉगिंग कंटिन्यू वाला सिस्टम जो चलता था वैसा हो गया है। उनके हेटर भी काफ़ी हैं यार भाई, उनके हेटर मतलब सब लोग को यही चाहते थे ना कि बंदा जेल हो अच्छे खासे टाइम तक। भाई क्यों जेल होगा यार भाई, तुम्हें बताओ, लॉजिकल बताओ ना यार, क्यों जेल होगा? बंदा गलत करेगा तो जेल होगा ना यार, बंदा गलत है ही ना भाई। मैं देखा काफ़ी अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी लाइक अपने सचिन तेंदुलकर, उन्होंने भी बोला था जस्टिस फॉर एल्विस यादव भाई। उनके मतलब एक किसी शायद ट्विटर का था कि कहाँ का था, इतना मेरे को कन्फर्म आइडिया नहीं है, बट भाई मैं एक रील स्क्रॉल कर रहा था उसमें देखा था भाई। तो यार जो सच्चाई होती है यार काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं यार भाई, काफ़ी लोग यार बेझिझक ना, जब पता रहता है कि हाँ बंदा सही है उसमें डरने का क्यों यार, दबा के सपोर्ट करो यार। और जो हेट करते हैं ना भाई, अभी आ गए क्या ही बोले भाई। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है ना कि आ गया बंदा यार भाई अपना भाई बैक ऑन गेम। को एक वीडियो दी थी जमी, जब ऐसा हाथ उड़ाते हैं सब प्रॉपरली वाला, ऐसे मतलब काफ़ी पब्लिक रहती है सराउंड में उनके आसपास, और भाई आके ऐसा मस्त चश्मा वश्मा पहनते भाई, एकदम शेर लगते हैं यार शेर भाई। ये वीडियो मैं तुमको दिखाऊंगा अपने मतलब इस ब्लॉग में पुट करूंगा, तो अभी तुरंत डालता हूँ, रुको रुको। पहले एक गाना निकाल के गए थे, मतलब जब रिमांड पे जा रहे थे तो एक गाना उनका निकला था कि भाई सिस्सा डाउन गाड़ी का, राव साहब रॉलिन भाई, और उसमें गाना था कि सिस्सा डाउन गाड़ी का तेरे शहर में आया राव साहब बोलते भाई, एकदम कड़क गाना यार। इस पर भी काफ़ी लोग मतलब कुछ रील बना रहे हैं, कुछ इन्हीं का वीडियो उठा के उसी पर पुट कर दे रहे हैं भाई, एकदम कड़क यार। तो ये गाना भी देख लियो यार एकदम। और भाई यार नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग कमेंट नहीं किए यार, देखा रीच गया भाई, अच्छा खासा गया, थैंक्स फॉर ईच एंड एवरी वन भाई। बट वो भी करना था यार, कमेंट भी करना था, कमेंट के लिए बोला था मैं आप लोग को लास्ट में, मतलब वीडियो बंद करने से पहले मैं बोला कि भाई अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, मस्त लगा हो, आप लोग भी सपोर्ट करते हो नहीं करते हो, जो भी बोलो बोलो यार। इतना सा वीडियो बनाने के बाद मैंने एक लिखी थी शायरी अपने एल्विस भाई के लिए कि लाख बुराई कर लो मेरी जान, सच्चाई छिपेगी नहीं, और एल्विस भाई अपने एक आधी है, बैकअप आने के बाद वो आधी रुकेगी नहीं, सिस्टम हैंग कर देगी काफ़ी लोगों की। लोग से एक रिक्वेस्ट है सब कुछ करने के बाद भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और भाई मेरे वीडियो को इतना हद तक शेयर कर देना कि भाई ये वीडियो एल्विस भाई तक पहुँचे, वो भी देखें। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही है यार आप लोग से। सो जाओ और करो।